हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे समीशन ऑफ सीरीज बाय डेफिनेट इंटीग्रल। इससे पहले के लेक्चर में हमने लिमिट ऑफ ए सम पर क्वेश्चन किए। वहां पर क्या होता था कि हमारे पास इंटीग्रेशन में फंक्शन दिया होता था और हमें उसे इंटीग्रेट करना होता था, लेकिन हम इस टाइप से डायरेक्ट उसे इंटीग्रेट नहीं करते थे। जो फंक्शन होता था उसे हम एन इक्वल पार्ट्स में, इस टाइप से एन इक्वल पार्ट्स में हम डिवाइड करते थे, फिर उसको हम समेशन से उसको सॉल्व करते थे, ठीक, लिमिट ऑफ ए सम में। यहाँ पर क्या करना है हमको कि पहले हमें जो सम दिया होगा वो समेशन फॉर्म में दिया होगा, ठीक, उसको हमें किसमें कन्वर्ट करना होगा, इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करना है। तो वहां पर लिमिट ऑफ ए सम में क्या था कि इंटीग्रेशन को हम समेशन से सॉल्व करते थे। यहाँ पर क्या है, समेशन फॉर्म में हम सीरीज दी हुई है, यहाँ पर हमें समेशन फॉर्म में सम दिया हुआ है और उसको हम किससे सॉल्व करेंगे, उसको इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो वहां पर ये लास्ट लेक्चर में आपको लिखवा चुके हैं लिमिट ऑफ ए सम की डेफिनेशन, कि इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स लिमिट ए टू बी इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एच एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच प्लस एंड सो ऑन अप टू एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच, वेयर एन टेंस टू इनफिनिटी एज एच टेंस टू जीरो एंड एन एच इक्वल टू बी माइनस, ये वही डेफिनेशन है। यहाँ पर हमने क्या किया है कि इसको हम समेशन फॉर्म में लिख रहे हैं। तो समेशन में हम कैसे लिख सकते हैं, लिमिट एच टेंस टू जीरो समेशन एच एज इट इज, फिर फंक्शन ऑफ ए प्लस एच ए प्लस टू एच ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच, इस टाइप से आ रहा है। हमने क्या किया, यहाँ पर फंक्शन ऑफ ए सभी में कॉमन आ रहा है, प्लस सभी में आ रहा है, फिर यहाँ पर क्या है ए प्लस जीरो एच ए प्लस वन एच ए प्लस टू एच ए प्लस थ्री एच एंड सो ऑन अप टू ए प्लस एन माइनस वन एच। तो जो वैल्यू चेंज हो रही है, मतलब एच तो आई रहा है, एफ ऑफ ए प्लस क्या लिखा आर है, जो वैल्यू चेंज हो रही है उसको हमने आर से डिनोट किया। आर इक्वल टू जीरो रखेंगे तो फर्स्ट टर्म मिलेगा, आर इक्वल टू वन रखेंगे सेकंड टर्म मिलेगा, आर इक्वल टू टू रखेंगे थर्ड टर्म एंड एन माइनस वन रखेंगे तो लास्ट टर्म मिलेगा। अब इसमें आर इक्वल टू कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ तक वेरी कर रहा है, तो इसमें r इक्वल टू अगर हम जीरो रख रहे हैं तो हमें फर्स्ट टर्म मिल रहा है, ठीक, तो r इक्वल टू जीरो, वन रखने पर सेकेंड टर्म मिल रहा है, टू रखने पर थर्ड टर्म मिलेगा एंड n माइनस वन रखेंगे तो हमको लास्ट टर्म मिलेगा, तो जीरो टू n माइनस वन आ जाएगी इसकी लिमिट। अगर हम यहाँ पर a इक्वल टू जीरो रख दें और b इक्वल टू वन रख दें तो क्या हो जाएगा, ये एन एच इक्वल टू क्या होता है b माइनस ए, वन माइनस जीरो h इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 बाय n। तो यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट को हम किस टाइप से लिख सकते हैं, लिमिट 0 टू 1 इंटीग्रेशन में, लिमिट 0 टू 1 f ऑफ x dx इक्वल टू लिमिट h टेंस टू, यहाँ पर h टेंस टू 0 था, यहाँ पर क्या है h इक्वल टू क्या है 1 बाय n आ रहा है, यहाँ पर n टेंस टू क्या हो जाएगा, या तो हम h टेंस टू 0 रखें या n टेंस टू इंफिनिटी। n क्यों रख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो h है वो अब किसमें कन्वर्ट हो रहा है n, तो आ जाएगा h इक्वल टू 1 बाय n, एच इक्वल टू वन बाय एन आ गया, ठीक है। फिर ए इक्वल टू हमने जीरो रखा है, ए इक्वल टू जीरो हो जाएगा, आर इक्वल टू कितना है, आर तो एज इट इज रहेगा और एच इक्वल टू कितना है वन बाय एन, तो ये हो गया वन अपॉन एन फंक्शन आर अपॉन एन, ठीक है, आर इक्वल टू जीरो टू एन माइनस वन। तो ये हमारा इस टाइप से इंटीग्रेशन को हम समेशन में लिखा है। अब यहाँ पर क्या करना है हमें, जब अगर समेशन में सम आता है तो हम उसको इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो इसका वर्किंग रूल क्या कहता है कि लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी वन अपॉन एन समेशन आर वन टू एन फंक्शन ऑफ आर अपॉन एन, मतलब फंक्शन हमारा इस जो सीरीज है वो इस टाइप से आ सकता है, या तो पूरी सीरीज लिखकर आएगी। अगर सीरीज लिखकर नहीं आता है तो हमें क्या है, समेशन फॉर्म में दिया होगा, और अगर सीरीज लिखकर आएगी तो हमें उससे क्या करना होगा, इस समेशन फॉर्म में लेकर आना है, फिर हमें उसे रिप्लेस करना है। तो किस टाइप से करते हैं कि यहाँ पर जैसे लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी रहेगा, फिक्स रहेगा वन बाय एन, हर क्वेश्चन में रहेगा, जितने भी सम आएंगे सभी में वन अपॉन एन, अगर सीरीज दी है तो इस टाइप से सीरीज बनानी है कि उसमें वन अपॉन एन आए, साथ में फंक्शन किसका आए, आर अपॉन एन का फंक्शन बनाना है हमको। अब समेशन में लिमिट आपकी चेंज हो सकती है, जैसे यहाँ जीरो टू एन माइनस वन है तो वन टू एन भी हो सकती है, जीरो टू एन भी हो सकती है, वन टू टू एन भी हो सकती है, लिमिट आपकी कुछ भी हो सकती है, ठीक, ये किस पर डिपेंड करेगा, जो आपकी सीरीज होगी उस पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर क्या करना है हमें, जो समेशन फॉर्म में सम दिया होगा, मतलब सीरीज में दिया होगा, उसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, इंटीग्रेशन में। तो इंटीग्रेशन के लिए ये हमें हमेशा याद रखना है कि हमें रिप्लेस करना होगा, r बाय n को हम x से रिप्लेस करेंगे, 1 अपॉन n होगा उसको dx से रिप्लेस करेंगे, और लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी समेशन साइन है उसको इंटीग्रेशन के साइन से रिप्लेस करेंगे, मतलब लिमिट और समेशन इसकी जगह क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन। मतलब मेन आपका वर्किंग रूल ये है, ये हमको अच्छे से समझना है। इसमें क्या है कि जो फंक्शन ऑफ r अपॉन n है, जो r अपॉन n है वो किससे रिप्लेस हो रहा है, x से, 1 अपॉन n हो रहा है dx से, लिमिट और समेशन किससे हो रहा है, इंटीग्रेशन के साइन से। तो लिमिट और समेशन की जगह हमने इंटीग्रेशन लिखा, 1 अपॉन n को हमने dx लिखा,
r अपॉन n को हमने x लिखा, ठीक, इस टाइप से ही रिप्लेस हो रहा है। फिर इसके बाद हमें निकालना है लोअर लिमिट और अपर लिमिट। तो लोअर लिमिट के लिए देखो ये लिखा हुआ है, द लोअर एंड अपर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन आर द वैल्यू ऑफ r अपॉन n फॉर द फर्स्ट एंड लास्ट वैल्यू ऑफ r एट n टेंस टू इंफिनिटी एंड h टेंस टू जीरो। तो यहाँ पर जो लोअर लिमिट निकलेगी वो r की जो फर्स्ट वैल्यू है यहाँ से हम लोअर लिमिट निकालेंगे, r की जो लास्ट वैल्यू है वहां से हमारी अपर लिमिट निकलेगी। और लिमिट कैसे निकालेंगे कि हम r अपॉन n का फंक्शन है, वैल्यू हम यहाँ रखेंगे फॉर लोअर लिमिट। लोअर लिमिट हमें किससे मिलती है, r की जो फर्स्ट वैल्यू है। तो क्या लिखेंगे हम, व्हेन r इक्वल टू वन देन लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी r अपॉन n। अब यहाँ पर r कितना है, वन है, क्या लिखेंगे लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी वन अपॉन n। एंड n इक्वल n टेंस टू क्या है इन्फिनिटी, मतलब वन अपॉन इन्फिनिटी कितना आ गया जीरो। तो यहाँ पर हमारी जो लोअर लिमिट निकल कर आई वो क्या आ गई जीरो। तो इस टाइप से हमने जीरो लिखा, ठीक। अब हम निकालेंगे अपर लिमिट। फॉर अपर लिमिट, अपर लिमिट में क्या होगा कि यहाँ पर r की जो लास्ट वैल्यू, r की जो फर्स्ट वैल्यू है वहां से लोअर लिमिट निकलती है, r की जो लास्ट वैल्यू वहां से अपर लिमिट निकलती है। व्हेन r इक्वल टू n, फिर हमें वैल्यू कहाँ रखनी है, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी r अपॉन n। ये r अपॉन n का ही फंक्शन है, इसमें r इक्वल टू अगर हम n रखते हैं तो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी n बाय n, n से n कैंसिल हो गया, कितना आ गया 1। अपर लिमिट कितनी आ गई 1। और जैसे ही हमें अपर लिमिट मिल जाएगी, लोअर लिमिट अपर लिमिट मिल जाएगी, उसके बाद जो फंक्शन होगा उसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, हमारा आंसर आ जाए। ये इसका वर्किंग रूल है। अब हम इस पर सम करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है, इवैल्यूएट लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी n अपॉन n स्क्वायर प्लस n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस n अपॉन n स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू n अपॉन n स्क्वायर प्लस n माइनस 1 होल स्क्वायर। जो हमारे पास सीरीज दी हुई है उसको हमने क्या मान लिया, s मान लिया। लेट s इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी n अपॉन n स्क्वायर प्लस n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस n अपॉन n स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन अप टू n अपॉन n स्क्वायर प्लस n माइनस 1 होल स्क्वायर, ठीक। अब इसको हम समेशन फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं कि लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी, ये एज इट इज लिख दिया, फिर हमने समेशन लगाया। अब जो वैल्यू सेम आ रही है उसको एज इट इज नोट कर देंगे, जैसे n n n n सभी में है तो n अपॉन n स्क्वायर सभी में आ रहा है, n स्क्वायर प्लस सभी में, मतलब यहाँ पर प्लस 0 स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस 0 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो यहाँ पर n स्क्वायर सभी में आ रहा है, प्लस आ रहा है। अब जो वैल्यू चेंज हो रही है, मतलब यहाँ पर 0 स्क्वायर, यहाँ 1 स्क्वायर, यहाँ 2 स्क्वायर, 0 1 2 एंड सो ऑन अप टू n माइनस 1। और वो जो वैल्यू चेंज हो रही है वो स्क्वायर के साथ चेंज हो रही है, मतलब 0 स्क्वायर है, फिर 1 स्क्वायर है, फिर 2 स्क्वायर है। तो हमने लिखा r स्क्वायर। अब r की वैल्यू हम क्या रख रहे हैं कि हमको फर्स्ट टर्म मिल रही है, तो r इक्वल टू अगर 0 रखते हैं तो फर्स्ट टर्म मिल रही है, यहाँ 0। 1 रख रहे हैं तो सेकंड टर्म मिल रहा है, 2 रखने पर थर्ड टर्म मिल रहा है, इसी तरह से जब हम n माइनस 1 रखते हैं तो लास्ट टर्म मिल रहा है हमको, लास्ट क्या हो जाएगी n माइनस 1, ठीक। अब हमें देखो जो हमने वर्किंग रूल किया था वहां पर फंक्शन किसका बनाना है हमें, r अपॉन n का। r अपॉन n का फंक्शन कैसे बन सकता है ये, कि अगर यहाँ पर हम n स्क्वायर कॉमन लेते हैं, r इक्वल टू 0 टू n माइनस 1, ये n है, अपॉन में हम क्या ले सकते हैं, n कॉमन लेते हैं अगर n स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस r स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, मतलब r स्क्वायर है तो r स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर आना चाहिए, r क्यूब है तो r क्यूब अपॉन n क्यूब आना चाहिए, तभी r अपॉन n का फंक्शन बनेगा, ठीक। तो 1 n से ये 1 n कैंसिल हो गया, कितना आ गया, ये हो गया लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 बाय n, 1 अपॉन n को हम कॉमन बाहर ले सकते हैं, समेशन r 0 टू n माइनस 1 1 अपॉन 1 प्लस r बाय n होल स्क्वायर, ठीक, इतना हो गया। इसके बाद हमें क्या करना है, अब हमारे पास r अपॉन n भी है, 1 अपॉन n भी है, और लिमिट और समेशन भी है। अब हम रिप्लेस करेंगे, ये लाइन हमें हमेशा याद रखना है कि रिप्लेस r बाय n बाय x, मतलब अगर इस फॉर्म में नहीं है तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो सीरीज दी है उसको समेशन में लाना है, समेशन के बाद हमको उसमें r अपॉन n का फंक्शन बनाना है, 1 अपॉन n भी आना चाहिए और लिमिट और समेशन भी होना चाहिए।
तो हमने क्या क्या किया, रिप्लेस किया आर अपॉन एन को एक्स से, वन अपॉन एन को डी एक्स से, एंड लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी समेशन साइन बाय द साइन ऑफ इंटीग्रेशन, ये हो गया एस इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट और समेशन को हमने इंटीग्रेशन से रिप्लेस किया, वन अपॉन एन को डी एक्स से किया, आर अपॉन एन को एक्स से, तो कितना हो गया वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब हमें क्या निकालना है, इसकी लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। फॉर लोअर लिमिट, लोअर लिमिट के लिए हमें क्या करना है कि आर की जो फर्स्ट वैल्यू है, आर की फर्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या है जीरो, यहां से हमको क्या मिलेगा लोअर लिमिट, लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी, आर की फर्स्ट वैल्यू जीरो तो आर इक्वल टू जीरो, लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी आर अपॉन एन, हमेशा हमें इसमें वैल्यू पुट अप करना है, लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी आर इक्वल टू क्या है जीरो, जीरो अपॉन एन कुछ भी रहेगा जीरो के अपॉन में वैल्यू जीरो, ये क्या हो गई लोअर लिमिट। इसी तरह से अब हमें क्या निकालना है अपर लिमिट, अपर लिमिट में आर की जो लास्ट वैल्यू है, आर की लास्ट वैल्यू क्या है एन माइनस वन, यहां से हमको क्या मिलेगी अपर लिमिट, लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी आर अपॉन एन, आर अपॉन एन आर की वैल्यू कितनी है एन माइनस वन, लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी एन माइनस वन अपॉन एन, इसमें हम ऐसा लिख सकते हैं लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी एन कॉमन लिया अपॉन में एन, इस एन से ये एन चला जाएगा कितना आ गया वन माइनस वन अपॉन एन, अब एन टेंस टू इंफिनिटी रखेंगे तो वन अपॉन इंफिनिटी जीरो आ गया वन, अपर लिमिट हमारे पास कितनी आ गई वन आ गई। वैसे हमेशा लोअर लिमिट चाहे इसकी जीरो हो वन हो टू हो थ्री हो कुछ भी हो, लोअर लिमिट हमेशा जीरो ही आती है, और अपर लिमिट किस पे डिपेंड करती है एन के कोफिशियंट पर, मतलब हम ये देख के डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि लोअर लिमिट हमारी, लेकिन वैसे आपको ये दिखाना है ठीक, लेकिन अगर समझ में नहीं आ रहा है तो हम डायरेक्ट भी लोअर लिमिट जीरो रख सकते हैं और अपर लिमिट एन के कोफिशियंट पर डिपेंड करता है, एन का कोफिशियंट क्या है वन, तो अपर लिमिट क्या आ रही है वन, केवल एन होता है यहाँ पर तब भी उसका कोफिशियंट क्या है वन तो वन आती, अगर यहाँ होता 2n, 2n होता तो n का कोफिशिएंट क्या है 2, तो अपर लिमिट 2 आई ठीक, ये वैल्यू हम रख सकते हैं इसमें, s इक्वल टू कितना हो गया इंटीग्रेशन लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x लिमिट 0 टू 1, ये हो गया tan इनवर्स अपर लिमिट रखेंगे 1 माइनस लोअर लिमिट कितनी है जीरो, टेन में वन कहाँ होता है पाई बाई फोर माइनस जीरो, टेन इनवर्स जीरो मतलब टेन में जीरो जीरो पर, ये हो गया पाई बाई फोर, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। अब हम इस पर एक सम और करें, सेकेंड एग्जांपल है इवेलुएट लिमिट एन टेंस टू इनफिनिटी वन अपॉन एन समेशन आर इक्वल टू वन टू एन रूट एन प्लस आर अपॉन एन माइनस आर, इसको भी हम सबसे पहले क्या करते हैं एस इक्वल टू मान लेते हैं लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी वन अपॉन एन समेशन आर वन टू एन अंडर रूट एन प्लस आर अपॉन एन माइनस आर। तो हमें क्या करना है यहाँ पर कि पहले तो लिमिट और समेशन हमारे पास है वन अपॉन एन है लेकिन आर अपॉन एन का फंक्शन नहीं है, तो r अपॉन n का फंक्शन बनाने के लिए अगर हम n कॉमन लेते हैं न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर से तो r अपॉन n का फंक्शन आ जाएगा, मतलब ये हो जाएगा लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1 बाय n समेशन r 1 टू n अंडर रूट n कॉमन लिया तो 1 प्लस r बाय n अपॉन में n कॉमन लिया 1 माइनस r बाय n से n कैंसिल हो गया। अब इसमें हमें क्या करना है कि r अपॉन n हमारे पास आ गया, 1 अपॉन n भी आ गया, लिमिट और समेशन भी आ गया, तो अब हम इसे रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस r बाय n बाय x 1 अपॉन n बाय dx एंड लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी समेशन साइन बाय द साइन ऑफ इंटीग्रेशन, देन s इक्वल टू क्या हो जाएगा लिमिट एंड समेशन, इसकी जगह आ जाएगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन n, ये हो गया dx से, फिर अंडर रूट 1 प्लस एक्स अपॉन वन माइनस एक्स ठीक। अब ये डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते तो हम इसको क्या करेंगे रेशनलाइज करेंगे, रेशनलाइज करने पर क्या हो जाएगा रूट वन प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट वन प्लस एक्स, तो क्या हो जाएगा रूट वन प्लस एक्स रूट वन प्लस एक्स मतलब वन प्लस एक्स आ जाएगा,
और इसको रेशलाइज किया इस टाइप से, ये हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स। रेशलाइज करेंगे तो क्या आ जाएगा, रूट 1 प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स, ये हमने लिखा बाय रेशलाइजेशन। ठीक, यहां से कितना हो गया, रूट हट गया, 1 प्लस एक्स आ गया, अपॉन में क्या होगा, a माइनस बी एंड a प्लस बी, मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, इसको हम सेपरेट कर सकते हैं। ठीक, अब पहले इसको सेपरेट करने से पहले हम क्या करेंगे, इसकी लिमिट निकालेंगे। अभी हमारे पास लिमिट नहीं है, तो लिमिट कैसे निकालेंगे कि लोअर लिमिट के लिए r की जो फर्स्ट वैल्यू है वहां से हमारी लोअर लिमिट निकाल कर आएगी। तो लोअर लिमिट के लिए r की फर्स्ट वैल्यू क्या है, व्हेन r इक्वल टू 1, r की जो फर्स्ट वैल्यू है वो हमें लोअर लिमिट देगी, r की जो लास्ट वैल्यू है वो हमें अपर लिमिट देगी। देन लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी r बाय n, r इक्वल टू है 1, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी r इक्वल टू 1, एंड टेंस टू इन्फिनिटी रखेंगे मतलब 1 अपॉन इन्फिनिटी कितना आ जाएगा, 0, तो लोअर लिमिट कितनी हो गई, 0 हो गई। इसी तरह से r की जो लास्ट वैल्यू है, r की लास्ट वैल्यू हमारे पास कितनी है, n, इसको हम कहाँ रखेंगे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी r अपॉन n, ये हो जाएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी r अपॉन n, मतलब n अपॉन n, n से n गया कितना आ गया, 1 आ गया, अपर लिमिट कितनी हो गई, 1, क्या लिखेंगे इसमें, 0 टू 1, s इक्वल टू हो गया लिमिट 0 टू 1, 1 प्लस x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर dx, इसको अगर हम सेपरेट करें ये हो जाएगा 0 टू 1, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर प्लस 0 टू 1 x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर dx। ठीक, अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसका तो हम जानते हैं डायरेक्ट साइन इनवर्स एक्स होगा। ठीक, क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स लिमिट 0 टू 1, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, अगर हम 1 माइनस एक्स स्क्वायर को 2t मानते हैं सब्स्टिट्यूशन से, तो क्या हो जाएगा, माइनस 2x dx इक्वल टू 2 dt। ठीक, तो यहां से लिमिट ये आ जाएगा x dx, मतलब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस x dx मतलब माइनस dt अपॉन में कितना आएगा, 1 माइनस x स्क्वायर को हमने अगर इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें और 2 से डिवाइड कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें अगर हम 1 माइनस x स्क्वायर को t मानते हैं, फिर इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट करने पर कितना आएगा, अब इसमें अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें और 2 से डिवाइड कर दें, नहीं भी करेंगे तो भी डायरेक्ट हो जाएगा, लेकिन हमने इजी करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया। अब इसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते हैं कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी कितना आएगा, माइनस 2x dx, जब हमने इसे डिफ्रेंशिएट किया 2x dx इक्वल टू dt, तो यहां से अगर हम देखें तो 2x dx माइनस 2x dx इक्वल टू क्या आ रहा है, माइनस का dt अपॉन में कितना आ रहा है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब रूट टी, और 1 अपॉन रूट टी यहाँ पे इसलिए हम नहीं लिख रहे हैं टी में क्योंकि फिर हमें लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी, तो हम यहाँ डायरेक्ट करके इसको x के टर्म्स में ही लिखेंगे, तो माइनस 1 अपॉन रूट टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस 2 रूट टी, ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 2, ये हो गया माइनस 2 रूट टी, और रूट टी मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ हमने डायरेक्ट लिख दिया, ये आ गया। अब इसकी लिमिट क्या रहेगी, 0 टू 1। अब इसमें अपर लिमिट क्या है, साइन इनवर्स 1 माइनस लोअर लिमिट है साइन इनवर्स 0, फिर माइनस, अब अपर लिमिट रखेंगे तो 1 माइनस 1 0, माइनस लोअर लिमिट रखेंगे 0 तो 1 माइनस 0 1, मतलब रूट 1 1 ही रहेगा। ये कितना हो गया, साइन इनवर्स 1, साइन में 1 कहाँ होता है, पाई बाई 2, माइनस 0 माइनस 0 प्लस 1, यहाँ पर हमारा आंसर कितना आ गया, ये पाई बाई 2 प्लस 1, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो आज के लिए इतना ही, अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो आप लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।